हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये हो रहा है सुबह का 10 बजे का खाना। मैं आज बना रही हूँ। तो आज बन रहा है हमारे किचन में छोले भटूरे। छोले भटूरे की रेसिपी अगर जानी हो तो पूरी वीडियो को बिना स्किप के देख कीजिए। उनको 4 या 5 सीटी लगा दी है मैंने कुकर में डाल के सुबह उनको। और अभी बना रही हूँ मैं छोले की सब्जी। तो पहले मैंने लहसुन प्याज मिर्ची भून ले रही हूँ। उसके बाद ये मैंने ग्राइंड कर ली हाथ से ही। टमाटर घिसे मैंने मिक्सी में भी कर सकते हो, लेकिन हाथ से मैंने जो पीसना। टमाटर है ना वो मिक्सी में नहीं पीसे, मैंने हाथ से ही पीसे। हाथ से पीसने में वो घिसनी होती ना, उससे हाथ से पीसने में थोड़ा अच्छा सब्जी में ग्रेवी अच्छी बन जाती है। और उसके बाद में हो गया हमारा मसाला। अब मैं निकाल दे रही हूँ ये डो। ये मैंने 1 घंटे पहले ही लगा दिया था। मैदे में थोड़ा नमक दही ऑयल डाल के लगा दिया था 1 घंटे पहले। अब मैं इनको मसल ले रही हूँ। मसल ना अपन को खूब जोर लगा लगा के, आप जोर लगा लगा के, मतलब जोर लगाने का मतलब है पूरे शरीर की ताकत दे ऐसा बस मसलते जाओ मसलते जाओ, तभी तो भटूरे अच्छे बनेंगे। गोल गोल भटूरे जी, मेरे को तो बहुत पसंद है भटूरे। किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं सच बता रही हूँ, बने इतने टेस्टी थे, इतने टेस्टी थे छोले भटूरे कि मैंने बनाए सुबह थे लेकिन खाए शाम तक। और ये होगा डो हमारा तैयार। जब तक मसाला भी भून गया हमारा, मसाला एकदम मसाले में से तेल निकलना चाहिए, तब जाके मसाला हो गया है। अब इसमें डालते हैं हम छोले। तो छोले मैंने सीटी लगाते समय उसमें, छोले को उबालते समय उसमें नमक और थोड़ी सी चाय पत्ती किसी कपड़े में बांध के डाल दो तो उसमें छोले का चाय पत्ती का फ्लेवर आता है छोले में, तो वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो वो चाय पत्ती तो निकल गई थी मेरी पूड़ी कूड़ी। अब ये बन गए हमारे छोले, मसाला भी हो गया रेडी। मैं डाल दे रही हूँ इसमें छोले। तो गल गए हैं छोले, अब डाल दे रही हूँ मैं छोले। अब इनमें मसाले में मिलाने के बाद इसको चम्मच उल्टा करके दबाना है छोले को, ताकि ये थोड़े से मतलब कूटना है, मतलब आधे टूटे हो जाए, आधे टूट जाएंगे और आधे खड़े ही रह जाएंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी। आप एक बार ज़रूर बनाना, ज़रूर बना के ट्राई करना, फिर मुझे बताना आप। तो वही हो गया हमारे मैदे वाला काम, दे हिस्सा डो भी हमने जोर दबा दबा के डो भी लगाना पड़ा और सब्ज़ी में भी देखो सारी ताकत लगानी पड़ रही है। अब देखते हैं खाने में कैसा मज़ा आता है। तो ये बचा कुचा पानी भी मैंने डाल दिया है इसमें छोले में, और डाल दी हूँ धनिया। बस थोड़ी सी देर ढक्कन रख के पका देंगे। हो गया हमारे छोले तैयार। और मैंने तेल गरम कर दिया था और भटूरे बनाने लग गई मैं। स्कूल का टाइम रहता है कार्तिक के, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है क्योंकि वो 12 बजे स्कूल जाता है। पहले तो उसका सुबह का रूटीन था, लेकिन अब 2 दिन हो गए तो 12 से 3 का हो गया है। डांस करने लग रही हूँ, देखो मेरे भटूरे फूल गए, मेरे भटूरे फूल गए। तो आइए हम बना लेते हैं इसी तरह भटूरे, एक पे एक, एक पे एक। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं वीडियो बनाने में और एक्टिव हो जाऊँ। तो गाइस, बन गए हमारे छोले भटूरे, और ये है भटूरे और ये हो गए छोले। देखो छोले और भटूरे की थाली भी लगा दी मैंने, आइए खा लीजिए छोले भटूरे। सच बता रही हूँ मैं, बहुत ही टेस्ट। तो छोले वोले हमने सबने खा लिए थे और बच भी गए थे, तो फिर हमने रात को भी खाए। और ये हम कर रहे चेरी को निलाना, उसकी मौसी निला रही है उसको, और बाथरूम में देखो कैसा इंजॉय कर रहा है। साबुन पकड़ता है, पानी का मग पकड़ता है और मेरे सामने स्माइल भी कर रहा है वो। मम्मा ओ मम्मा ले लो मेरे को। तो
सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे से एक नए से व्लॉग में।